भारत बनाम श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगी। सीरीज का पहला टी20 मैच पल्लेकेल स्थित पल्लेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। टी20 सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में है। टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम श्रीलंका पहुंचकर लगातार प्रैक्टिस कर रही है। गौतम गंभीर भी श्रीलंका में है। गौतम गंभीर का बतौर हेड कोच टीम इंडिया के साथ ये पहला असाइनमेंट है। BCCI ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर को इसी महीने की शुरुआत में टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त किया था। गौतम गंभीर की मेंटरशिप में ही KKR ने इस साल अपना तीसरा IPL खिताब जीता था। भारतीय टी20 टीम में कई अहम खिलाड़ियों की वापसी हुई है। टी20 सीरीज के बाद तीन मैचों की ही वनडे सीरीज होगी। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान होंगे। वनडे सीरीज के लिए रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। सड़क हादसे के बाद ऋषभ पंत की टी20 इंटरनेशनल के बाद वनडे टीम में भी वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर की भी वापसी हुई है। नए चेहरों के रूप में शिवम दुबे और रियान पराग को मौका दिया गया है। यूजी चहल और रिंकू सिंह को ड्रॉप किया गया है। टी20 फॉर्मेट में भारत बनाम श्रीलंका के बीच हेड टू हेड की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ब्रिगेड का पलड़ा भारी है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 29 टी20 मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 19 और श्रीलंका ने 9 मैच जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 टी20 मैच की बात करें तो भारत ने 3 और श्रीलंका ने 2 में जीत हासिल की है। श्रीलंका में भारत ने मेज़बान टीम के खिलाफ अब तक 8 टी20 मैच खेले हैं। इसमें से उसने 5 में जीत हासिल की है जबकि 3 में हार झेली है। पल्लेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर भारत ने श्रीलंका से अब तक 1 टी20 मैच खेला है। वो मैच 7 अगस्त 2012 को खेला गया था। उस मैच को भारत ने 39 रन से जीत हासिल की थी। पल्लेकेल की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर मानी जाती है। इस पिच पर एक पारी का उच्चतम स्कोर 263 रनों पर 3 विकेट है जो ऑस्ट्रेलिया ने 6 सितंबर 2016 को श्रीलंका के खिलाफ ही बनाया था। इस मैदान पर अब तक 48 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इनमें से 24 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली 16 बार ही जीत का सहरा बांध पाई है। 27 जुलाई 2024 को पल्लेकेल के मौसम की बात करें तो बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम में नमी रहेगी तथा कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी। 15-15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश की संभावना 88% है जबकि गरज के साथ बारिश की संभावना 53% है। AccuWeather.com के अनुसार पल्लेकेल में 27 जुलाई को 99% समय बादल छाए रहेंगे जबकि 3 घंटे और 3 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भाई किस तरह से ये पिच खेलती है। अगर ये पिच पर कहीं भी थोड़ी भी स्पिनर्स की मदद रहेगी तो शायद भारत 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है जिसमें अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं रहा तो हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह भारत एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज रिंकू सिंह को अपनी टीम में जगह दे।